हेलो दोस्तों, मैं तुषार। इस वीडियो में करता बहुत स्वागत। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने फ़ोन में जियो पॉस एपीके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से अपने जो दोस्त हैं मोबाइल वाले रिपेयरिंग करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो उनको जियो पॉस ऐप डाउनलोड करना नहीं आता है। तो यहाँ मैं उनको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको इंटेलिजेंट हब, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये आपको डाउनलोड करना होगा। तो इसे हम जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही छोटा ऐप होता है, जिसे आप डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, इसे डाउनलोड करने के बाद आपको जैसे अपने जो एजेंट होता है, आपके पास आईडी पासवर्ड होना जरूरी है आपका। आईडी अगर अभी तक आईडी पासवर्ड नहीं मिला हो तो अपने एजेंट से आप उससे ले लो, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। जैसे आप जो भी जियो पॉस में यूज़ करते हैं तो उसके लिए बेटर ये होगा आपके। जैसे इंस्टॉल हो गया, चलिए इसको ओपन करते हैं। और यहाँ ओपन करेंगे दिखाते हैं हम आपको। यहाँ जैसे ये इंस्टॉलिंग हो रही है, ये आपको इंस्टॉल हो गया और ये स्कैन होगा। इसके बाद इसको स्कैन होने देते हैं, स्कैन हो, इसको ओपन कर लेते हैं। जब ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस और सर्वर मांगेगा। तो आप यहाँ पे सर्वर डालो, जो सर्वर मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे जियो, और इसमें आपको डालना होगा .AWDS1, उसके बाद यहाँ .RIL.com। आपको ये इतना देख लो आप, यहाँ आपको ये इतना लिखना पड़ेगा। उसको आपको नेक्स्ट करना होगा। जैसा नेक्स्ट को आपको अलाउ करना होगा, जो भी परमिशन मांगेगा वो करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मांगे ग्रुप आईडी, तो आपको ग्रुप आईडी में यहाँ पर पार्टनर्स लिखना होगा। यहाँ पर आप पार्टनर्स लिखोगे, उसके बाद उसे नेक्स्ट कर दोगे। जब यहाँ पर इतना करोगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर मांगेगा आपकी जियो आईडी, जो आपकी जियो आईडी होगी, यूज़र नेम, जो पासवर्ड आपका होता है। तो आप लोग भी जानते हो कि आपको दो आईडी और एक पासवर्ड मिलता है। तो जो अब जो जियो पॉस के जो एपीके आईडी पासवर्ड यूज़ करते हो, वहाँ पर वो नहीं लगेगी। जो दूसरी आईडी होती है आपको वो यहाँ पे यूज़ करनी होती है। तो चलिए यहाँ पर अपनी आईडी लिख लेते हैं। और यहाँ पर जो मेरी आईडी है वो ये है, मैंने यहाँ पर आईडी डाली है। और यहाँ पर पासवर्ड डाल लेता हूँ मैं अपना, नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप इस आईडी को नेक्स्ट करोगे तो आपको इस तरह से आपका ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको इसको एक्सटेंड करना होगा। यहाँ पर उसको एग्री करूँगा और इस तरह से आपका ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जिस तरह से ये आपका डाउनलोड हो रहा है। जब ये कम्प्लीट डाउनलोड हो जाए तो आपको यहाँ पर एक्टिवेट डिवाइस करना होगा सबसे लास्ट में। तो ये आपका डिवाइस आपका यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा, उसके फिर नेक्स्ट करना है। और उसके बाद आपकी कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। अब कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा तो आपको यहाँ पर ऐप कैटलॉग दिया रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। और यहाँ से आप जैसे कि आपका ये है, ये खुल जाएगा। यहाँ पे जियो पॉस प्लस आपको लिख के आ रहा, तो यहाँ से इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसे इंस्टॉल करो, 64 MB का है। तो जैसे ये कि यहाँ पर मेरा डाउनलोड पर लगा दिया, डाउनलोड हो रहा है, प्रोसेसिंग कम्प्लीट हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर इसे अपने जियो पॉस एपीके को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, वो क्या लिखना कैसे करना है पूरा बता दिया। दोस्तों, ये आपको इजी होता है बिल्कुल से। जब कोई बॉस एपीके डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे आईडी पड़ा हुआ है, और आपकी आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आईडी पासवर्ड के साथ यहाँ पे इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ, फिर लॉग इन करता हूँ। दोस्तों, जैसे मैं कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, मेरा जियो पॉस एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा, नीचे मैं उसका आंसर को जरूर दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।